हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल मंचूरियन शेयर कर रही हूँ। आज हम मिक्स वेज मंचूरियन बनाएंगे क्रिस्पी। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ वेजिटेबल लिया है, कैबेज लिया है, कद्दूकस कर लिया है, फूलगोभी लिया है मैंने यहाँ, कॉलीफ्लावर, गाजर, तीनों को मैंने यहाँ कद्दूकस कर लिया है और एक से दो मैंने यहाँ शिमला मिर्च ली है, कैप्सिकम। ये हम वेजिटेबल डाल लेते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। वेजिटेबल मैंने यहाँ डाल लिया है, इसमें डालेंगे हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, तीनों का पेस्ट मैंने यहाँ इकट्ठा बना लिया है। एक चम्मच में इसमें डाल रही हूँ। हम इसे बहुत ही क्रिस्पी बनाएंगे मंचूरियन को। आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ काली मिर्ची पाउडर, ब्लैक पेपर। दो चम्मच डालेंगे हम चावल का आटा, ये हमारी मंचूरियन को बहुत ही क्रिस्पी बनाएगा। थोड़ा डालेंगे हम इसमें सोया सॉस, दो छोटी चम्मच सोया सॉस डालेंगे। वेजिटेबल को बाइंड करने के लिए मैं डाल रही हूं इसमें मैदा। मैदा हम उतना ही डालेंगे जिससे कि हमारी ये वेजिटेबल अच्छे से बॉल्स बन सके इसकी। मैं यहाँ आधा मैदा ही डाल रही हूँ, आधा कटोरी। इसे हम मिला के देख लेंगे। इससे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें सॉल्ट, नमक हम टेस्ट के अनुसार डालेंगे। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वेजिटेबल को मैंने यहाँ मिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ एक कटोरी मैदा पूरा डाल दिया है। बॉल्स बना के देख लेते हैं। नींबू के जितने हम बॉल बनाएंगे, देखिए बॉल्स हमारे इजीली बन रहे हैं। इस तरह से हम सभी बॉल रेडी कर लेंगे। गैस पर मैंने यहाँ ऑयल रख लिया है, ऑयल को हम चेक कर लेते हैं थोड़ा बैटर डाल के। लो फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से कुरकुरे हो जाए गोल्डन ब्राउन होने तक। इन्हें हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, क्रिस्पी भी नहीं बनेगा बिल्कुल। इसलिए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक ये लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं ये। इसी तरह से हम सभी बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने यहाँ दो मीडियम चम्मच ऑयल लिए हैं। यहाँ तीन छोटी चम्मच मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर में पानी मिक्स करके हम घोल रेडी कर लेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, घोल बना लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली, तीनों का मैंने यहाँ मोटा मोटा कूट लिया है। आप चाहे तो बारीक चॉप कर सकते हैं। मैंने यहाँ 15 से 20 कली लहसुन के लिए है, 4 से 5 हरी मिर्ची, स्पाइसी है ये, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का, हल्का हल्का इसे भून लेते हैं। हमें ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। एक मिनट के बाद इसमें डालेंगे हम दो छोटी चम्मच विनेगर। डार्क सोया सॉस डालेंगे 4 चम्मच, दो छोटी चम्मच डालेंगे हम टमाटो सॉस,
मेरे पास यहाँ स्पाइसी टमाटो सॉस है, केचप, रेड चिल्ली सॉस डालेंगे 2 चम्मच, ब्लैक पेपर, काली मिर्ची पाउडर, सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक हम टेस्ट के अनुसार डालेंगे, नमक हम उतना ही डालेंगे जितना हमें चाहिए, क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए नमक हम थोड़ा देख के डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। अब इसमें बॉल्स डाल देंगे, बॉल्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके ऊपर डालेंगे हम जो हमने कॉर्नफ्लोर मिला के रखा है पानी में, पूरी जगह पे फैला देंगे इसके ऊपर डालते हुए, मिलाएंगे। हरी प्याज, स्प्रिंग अनियन, नाइसली मिक्स कर लेते हैं हम इसे। हमारी मंचूरियन बनकर रेडी है। ये देखिए हमारी क्रिस्पी वेज मंचूरियन बनकर रेडी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।